कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है, टाइम आ जाता है किसी भी रीजन में सामने वाले पर्सन की व्हाट्सएप अकाउंट अपने डिवाइस में एक्सेस करने की जरूरत पड़ जाती है। मीन्स अगले पर्सन की जो व्हाट्सएप अकाउंट है हमें अपने डिवाइस में लॉग इन करना पड़ जाता है। बट ऐसे में हमें प्रॉब्लम तब होता है जब हमें प्रोसेस ही मालूम नहीं होता कि एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को हम अपने डिवाइस में कैसे एक्सेस करें, यानी कि सामने वाले पर्सन के डिवाइस में भी वह व्हाट्सएप अकाउंट लॉग इन रहे और वही सेम नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट मेरे भी डिवाइस में लॉग इन हो जाए, जिससे कि हमें अगले पर्सन की एक्टिविटी का पता चलता रहे। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको गजब का फीचर बताऊंगा, तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप आसानी पूर्वक सामने वाले पर्सन की व्हाट्सएप अकाउंट अपने डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। अब ऐसे में आपका बच्चा भी हो सकता है, आपकी जिया भी हो सकती है, या फिर आपके दोस्त लोग भी हो सकते हैं जिनका भी आप चाहते हैं व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस करना अपने डिवाइस में देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइव करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप दूसरे का व्हाट्सएप अकाउंट अपने मोबाइल फोन में चला सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, अभी मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूं इस प्रोसेस की हेल्प से आप वाकई में दूसरे का व्हाट्सएप अकाउंट अपनी मोबाइल फोन में एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स उनके मोबाइल फोन में जो भी व्हाट्सएप अकाउंट नंबर होगा उसी सेम नंबर से आप अपने भी डिवाइस में व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। बट यह कोई हैकिंग का मेथड नहीं है, प्रोसेस नहीं है, यह एक व्हाट्सएप का फीचर है जिसको आप कभी भी और कहीं भी अपने हेल्प के लिए या फिर दूसरों को हेल्प करने के लिए कर सकते हैं। इसका आप लोग मिसयूज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी जिम्मेदारी बनती है आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहां पर मैं आपको एडुकेशन पर्पस के लिए समझा देता हूं। सिंपल आपको करना क्या है, अपने डिवाइस में सबसे पहले व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर टैप एंड होल्ड करना है, ठीक है, आई वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे और आई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहां पर आपको स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए डाटा यूजेज पर क्लिक करके आप यहाँ से भी चाहे तो इरेज वगैरह बैकग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, सिंपल ओपन करना है। ओपन करने पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। ओके, अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके और एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ कर देना है। जो मैं आपको बता रहा हूं सारे प्रोसेस को आप सही तरीके से कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। यहां पर देखिए अब आपको सिंपल करना क्या है, यहां पर आपको बोला जाएगा नंबर डालने के लिए। अब अगर आप यहां पर इस व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर इनपुट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो फिर यह प्रोसेस काम नहीं करेगा। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो इस व्हाट्सएप में यानी कि इस डिवाइस में व्हाट्सएप अकाउंट इनेबल तो हो जाएगा बट इस डिवाइस में व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना नहीं है, आप चाहते हैं कि दोनों डिवाइस में सेम नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट चले, ठीक है ना, तभी तो आपको एक्टिविटी पता चलेगी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ठीक है ना, सब कुछ। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहां पर जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है और यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक एज कॉम्पेनियन डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको एक क्यूआर कोड दिख गया होगा। इस प्रोसेस को आपको अपने डिवाइस में करना है। अब दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो प्रोसेस है, ये आपको विक्टिम के मोबाइल फोन में करना है जिसका आप व्हाट्सएप अकाउंट अपने डिवाइस में देखना चाहते हैं। क्या करना है इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको बैक जाने दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप विक्टिम का मोबाइल फोन एक दो मिनट के लिए ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है उनकी डिवाइस में। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिंक्ड डिवाइसेज, ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक करना है लिंक्ड डिवाइसेज पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपने पैटर्न लॉक, फिंगर लॉक वगैरह, फेस लॉक लगा रखा होगा तो आप इसको अनलॉक कर लीजिए। अनलॉक करने के बाद यहाँ पर ओके करना है और कैमरा ओपन हो जाएगा। इस कैमरा से आपको क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, उस क्यूआर कोड को, ठीक है, तो मैं स्कैन कर लेता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने स्कैनिंग स्टार्ट किया तो लॉगिन हो रहा है और कुछ ही सेकंड में आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए एंड्रॉइड 13 एक्टिव हो चुका है। अब आपके बच्चे का या फिर जिसका भी आप व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस करना चाहते हैं अपने डिवाइस में, उनका व्हाट्सएप अकाउंट आपके डिवाइस में जा चुका है। कैसे, मैं आपको लाइव दिखाता हूं, इसको बैक कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर दोनों डिवाइस को आप सही तरीके से चेक कीजिएगा केयरफुल्ली। यहां पर देखिए इस मोबाइल फोन में जो भी व्हाट्सएप अकाउंट का चैट लिस्ट दिख रहा होगा वही सेम चैट लिस्ट यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। इतना ही नहीं, इस मोबाइल फोन में जो भी मैसेज आ रखा होगा वो भी मैसेज आपको दोनों डिवाइस में दिखेगा। जैसा कि देखिए यहां पर इस पर मैं क्लिक करता हूं, माय जियो की तरफ से मैसेज आया हुआ है और सेम मैसेज यहां पर भी आया हुआ है, ठीक है। देखिए मैंने मैसेज चेक कर लिया तो यहां पर अब नोटिफिकेशन भी नहीं दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप सेम मैसेज को देख सकते हैं।
ओके okay. इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और प्रोफाइल है यानी कि कॉन्टैक्ट नेम है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर भी हेलो मैसेज किया हुआ है और इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर भी आपको हेलो मैसेज दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और भी मैसेज देखना तो आप मैसेज देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जो मैसेज अपने डिवाइस से यानी कि आपका बच्चा अगर अपने डिवाइस से अपने व्हाट्सएप अकाउंट से किसी को मैसेज सेंड करता है कुछ इस तरीके से, जैसे देखिए मैं करता हूँ ओके, या फिर किसी दूसरे कॉन्टैक्ट को करूंगा ओके कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको मैसेज दिख जाएगा ऊपर में, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों डिवाइस से मैसेज सेंड कर सकते हैं जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं। मैंने इस मोबाइल फोन से करके दिखाया, अब मैं इस मोबाइल फोन से किसी दूसरे को मैसेज सेंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर हेलो या कुछ भी टाइप करता हूँ, कैसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैसेज हम सेंड करेंगे वो मैसेज आपको इस डिवाइस में भी दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके ओके। तो देखिए यहाँ पर कैसे हैं सेंड किया और यहाँ पर भी सबसे टॉप पर आ चुका है मैसेज, आप लाइव देख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका बच्चा स्टेटस देखता है तो किस टाइप का स्टेटस देखता है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से स्टेटस लगाया गया है, तो यहाँ पर भी आप अपडेट पर क्लिक करके स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं चेक करना कि क्या दोनों डिवाइस में सेम नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस हो रहा है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और देखिए यहां पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहां पर जो आपको व्हाट्सएप अकाउंट दिख रहा हुआ नंबर नीचे में आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, मैंने ब्लर कर रखा है, सेम वही नंबर आपको यहां पर भी दिखेगा। सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और देखिए दोनों आपको नंबर सेम दिख रहा होगा दोनों डिवाइस में। मीन्स एक ही नंबर से आप दो अलग अलग डिवाइस में अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हैं और प्रोफाइल फोटो भी आपको दोनों में सेम दिख रहा होगा। अब अगर आप लोग चाहते हैं अपने डिवाइस से दूसरे का व्हाट्सएप अकाउंट रिमूव कर लूं, मीन्स हटा लूं, अब आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, तो आप आसानी पूर्वक दोनों ही डिवाइस से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने डिवाइस से रिमूव करना चाहते हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर लिंक्ड डिवाइसेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो भी डिवाइस आपने लिंक कर रखा होगा अपने व्हाट्सएप अकाउंट से, जो भी व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट कर रखा होगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिए और लॉग आउट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके बच्चों का व्हाट्सएप अकाउंट रिमूव हो जाएगा आपके डिवाइस से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बच्चों की मोबाइल फोन से ही डायरेक्ट रिमूव कर लो तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करना है और लॉग आउट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद लॉग आउट कर लेना है, बस इतना ही करना है। और अब आप देखिए यहाँ पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही नंबर से दो अलग अलग डिवाइस में व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे और जहां तक हो सके आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए उस पर नजर रख सकते हैं इस प्रोसेस की हेल्प से। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।